ये कलर्स नेचुरल कलर्स रेडी हो गए हैं। अब इनको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये खाने वाले गोंद का पानी। तो इनमें हम हाफ हाफ टी स्पून खाने वाले गोंद का पानी डाल देंगे, इससे ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। और एक स्टिक की हेल्प से इसको मिला देंगे। लाल कलर ये है, हरा कलर ये है, पीला कलर नीला कलर और ये है काला कलर। सो ये नेचुरल कलर्स हैं जो हम मधुबनी पेंटिंग में ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम बनाते हैं तो इन्हें यूज करते हैं। तो आइए छोटा सा एक डिजाइन भी बना लेते हैं।
आप गेंदे के फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑरेंज कलर बनाने के लिए। इनसे भी बहुत सुंदर डार्क येलो कलर निकलता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं सारे नेचुरल कलर्स, और आपने जैसे कि देखा है ये मैंने ऐसी चीज़ों से बनाए हैं जो हम लोगों के आसपास मिलती हैं, जो गांव में मधुबनी के जो गांव में कलर्स जहां पे निकाले जाते हैं वहां पे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें उन्हीं चीज़ों से कलर निकालना है। आपके आसपास में कोई भी इस तरीके के चीज़ें हों, लीव्स हों, फ्लावर्स हों, आप उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि गांव में जब कलर्स बनाते हैं तो उनको पकाया भी जाता है, उनको एक्सट्रैक्ट करके फ्लावर से या लीव से उनको फिर पकाते हैं, जिससे वो थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं। और गाढ़े होने से वो क्या होता है, थोड़ा सा उनका जो पिगमेंटेशन होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा लाइट हैं, लाइट चल रहे हैं, और इनको हमें एक दो कोट देना पड़ेगा उतना डार्क लाने के लिए। तो पकाने के बाद इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो लगभग आपके फैब्रिक जो एक्रिलिक कलर्स होते हैं उनके जैसी हो जाती है। और फिर हम उनको, लेकिन बिल्कुल ये उसकी तरह नहीं दिखते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और अगर आपने कभी नेचुरल कलर्स की पेंटिंग देखी हो तो आप देखेंगे कि उसके कलर थोड़े फेड रहते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के कलर रहते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ की बात ही अलग होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी आपके आसपास की किसी भी चीज़ से जो इस तरीके का हो, लीव्स हो, और रेड कलर के लिए आप रोज़ पेटल्स हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो, और मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो लोग बनाना चाहते हैं नेचुरल कलर्स उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसका लुक वाकई में बहुत डिफरेंट आता है। ये बात तो है, नेचुरल चीज़ की बात ही अलग रहती है जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है आपको। और एक और चीज़, जैसे इसमें ब्राउन कलर नहीं है तो ब्राउन कलर हम बनाते हैं कत्था से, तो कत्था तो मुझे यहाँ कहीं मिल नहीं पाया है। तो आप अगर आपको अवेलेबल हो जाए कहीं से तो आप कत्थे को भी पीस कर उसका चूरा बनाकर उससे ब्राउन कलर बना सकते हैं। और अगर कलर को डार्क और लाइट करना है तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चूना, या आप चावल को भिगोकर और उसका पीसकर सिल पर, सिलबट्टे पर, और उसका जो पानी निकलता है उसको भी यूज़ करके आप कलर्स को लाइट और डार्क अपने मतलब शेड के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।